खबर कुरुक्षेत्र से, जहां भारतीय किसान यूनियन चरुनी ग्रुप के द्वारा 23 नवंबर को पीपली अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली रखी गई है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चरुनी ग्रुप के कार्यकर्ता व खुद यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम चरुनी देश के कई हिस्सों में जाकर किसानों को न्योता दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चरुनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चरुनी ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन का एक साल बर्बाद कर दिया है, क्योंकि जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन शुरू किए थे उन मुद्दों पर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह एक साल किसानों को अब बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। गुरनाम सिंह चरुनी ने कहा है कि इस रैली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस जन आक्रोश रैली में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे और उन पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, रैली की बहुत अच्छी तैयारी है और रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इसमें सभी किसान, मजदूर, बेरोजगार, रेड़ी फड़ी वाले, वो भी यहाँ पे सब जो है इस रैली में शामिल होंगे। और हमारा जो मुद्दा है वो सारी पब्लिक का मुद्दा है, कमेरा वर्सेस लुटेरा। जो कंपनियां हैं वो आज पूरे देश की संपत्ति पे, पूरे देश के कारोबार पे कब्जा कर रही हैं। आज गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और उसका रिकॉर्ड ये है कि आज 9 लोग इतने अमीर हो गए हैं कि उनके पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। आज बेरोजगारी इस कदर है कि हरियाणा तो सबसे टॉपर ही है बेरोजगारी में, कि 38 बेरोजगारों को रोजाना अपनी जान गंवानी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है, खर्चा नहीं चल पाता, गुजारा नहीं चल पाता। और अपना देश छोड़ के, जिसको हमारे शहीदों ने जान पे खेल के आजाद कराया था, फांसियों पे चढ़ के आजाद कराया था, उस भारत महान को छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं और डोंकियों के माध्यम से जा रहे हैं, जान खतरे पे रख के जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच के जा रहे हैं। और वहां भी हाल ये हो गया है कि जहां एक मजदूर की जरूरत थी वहां 10 मजदूर चले गए। यानी हमारी जो अगली पीढ़ी थी वो टोटल की टोटल, टोटल भारत की जो है वो अगली पीढ़ी मजदूर बन गई है, जो विदेशों में जाके मजदूरी कर रही है।